हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है हमारा मिरेकल गार्डन के लिए। यहाँ पे अगर आप कभी दुबई में घूमने आ रहे हो या विजिट वीज़ा पे हो तो आपको वो जगह ज़रूर जानी चाहिए। एक्चुअली साल में वो 3-4 महीने ओपन होता है यहाँ पे। तो एक गार्डन है जहाँ हर डिफरेंट वराइटीज़ के फ्लावर लगाए होते हैं यहाँ के लोगों ने, मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ पर देखती है। तकरीबन मैंने सुना है 5 मिलियन टाइप्स के फ्लावर होते हैं वहाँ पे, उनमें 2-3 मिलियंस जो हैं वो फ्लावर लगते हैं, बाकी अलग वराइटीज़ के प्लांट होते हैं। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको पिन कर दूंगा नीचे। आप कभी यहाँ दुबई आ रहे हो तो आप ज़रूर जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है। और उसके अंदर ही एक और गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ पे डिफरेंट वराइटीज़ की बटरफ्लाई होगी वहाँ पे। एज यूजल हम चिड़ियों को खाना डाल रहे हैं इधर, ये हमने कंपनी से उठाए हुए हैं। तो अभी हमने लोकेशन चेंज कर दिया, अपन एक नई जगह है जहाँ पे अभी हम डालते हैं उनको खाने के लिए। शायद में भी हम लंच भी यहीं कर लेंगे, क्योंकि आजकल आप बाहर खाना नहीं खा सकते हो, यहाँ पे रमज़ान लगी हुई है तो पब्लिक एरिया में खाना खाना अलाउ नहीं है। इस साइड पूरा डेजर्ट है, इधर को वहाँ पे ये हाईवे है क्रॉस करके, तो यहाँ पे हमने प्लेस बनाया ये पानी के लिए उनके लिए। और वो देखो, वो छोटी सी गिलहरी अभी गई वहाँ से, शायद आपने देखा होगा कैमरे में। इन पेड़ों पे छोड़ो, इनको वो चली गई ऊपर। यहाँ पे यहाँ पानी तो है नहीं, पानी लकमल लेके आएगा। ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए, छोटे छोटे पीस डाले हैं। पहले हमने यहाँ पे सनफ्लावर के सीड भी डाले हुए हैं, सारे वही हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। एक्चुअली हम गाड़ी पार्किंग, देखो इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, पीछे सारी उसकी मिरेकल गार्डन की पार्किंग है। हमें यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग गया, तो अभी हम अंदर जाएंगे। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको सुनाई दे रही है अभी, तो यहाँ सामने जो हाईवे है आप देखो, उस पर गाड़ियों की कितना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, कितनी हाई स्पीड से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है, शायद अगर आपको सुनाई दे रही है तो। तो अभी टिकट ले ली है हमने। अगर आप यूई रेजिडेंस हो, मतलब आप यहाँ पे जॉब वगैरह करते हो, तो आपको टिकट पड़ेगी 65 दिराम की, इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपीज़ की। बट अगर आप विजिट वीज़ा पे हो तो आपको 95 दिराम की पड़ेगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 इंडियन रुपीज़ की। तो यहाँ से अब एंट्री है, अभी हम एंट्री करेंगे। इधर थोड़ी बातचीत चली है इस साइड से। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं 15 मिलियन कैटेगरीज़ में इधर फ्लावर। यहाँ टिकट चेक कराने के बाद अभी हम अंदर एंट्री मिल गया हमें। आप आते ही देखो एंट्री के ऊपर कितने दो बड़े बड़े हॉर्स बनाए हुए हैं। एक्चुअली अंदर तो प्लास्टिक मोल्ड है इनके, बट बाहर प्लांट्स हैं, देख सकते हो इस साइड से। पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शॉप के स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे वो टर्किश गाय है, शायद आपने उसकी वीडियोज़ देखी होगी बड़ी बड़ी, जो आइसक्रीम वगैरह देता है और बच्चों को थोड़ा टीज भी करता है। अभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ उसने अभी थोड़ी देर पहले गेम खेली। यहाँ पे तंग कर रहे हैं उस साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। आप मेरी बैक साइड देखोगे, हर जगह फ्लावर ही फ्लावर लगाए हुए हैं इन्होंने, और हर जगह कुछ ना कुछ बनाए हुए हैं। यहाँ पे पीछे एक जो है वो महल टाइप का है, पैलेस बनाया हुआ है, सारे को फ्लावर्स हैं लगाए हुए। अभी हम उसके अंदर जाएंगे तो मैं दिखाऊँगा आपको। आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रीट है, स्ट्रीट के चारों साइड फ्लावर है इधर। मैंने सोचा था मैं पैलेस के अंदर लेके जाऊंगा आपको, बट यहाँ पे जो डोर क्लोज है, तो अभी यहाँ पे एंट्री बंद है इस साइड को। यहाँ देख सकते हो आप पार्क है, इसके अंदर ये रहा हमारा एलिफेंट, ऐसे बनाया हुआ है।
आप ऊपर की तरफ देखोगे तो इतना बड़ा है ये ऊपर से, और आगे एक और है बनाया हुआ, क्यूट क्यूट से एलिफेंट है। लखनऊ जी की वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे ये लोकल यहाँ की ड्रेस है। इधर आगे बंदा खड़ा है वो, यहाँ अगर आपने अगर फोटो वगैरह खिंचवाना है इसमें तो ये तो वो वाटर पार्क के लिए रास्ता रह गया, हम इसको क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। हमने नहीं ये वाला कवर करना है, हमारे लखमल भाई साहब आगे चले हुए हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिलेगा दिन को, देख सकते हो इस साइड। एक्चुअली इसके पीछे बहुत हाई लेवल की क्रिएटिविटी है यहाँ पे, जैसे आप चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखोगे सेम उसी के जैसा है, बट यहाँ पे फ्लावर्स का है सारा, मतलब यहाँ पे अंदर इस साइड को एक हट बना हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई कपल वगैरह यहाँ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो इधर खिंचवा सकता है। ये भी एक हट यहाँ है, एक यहाँ है। अंदर बग्गी ट्रैवलिंग भी है अलो, अगर आपने पैदल नहीं जाना है तो आप इसमें बैठ के भी ट्रैवल कर सकते हो, बट हम प्रेफर करते हैं पैदल चलना ज़्यादा बैठे हुए इस साइड। अंदर चलते हैं तो अभी हम यहाँ पे, आप जहाँ भी देखोगे वहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, तो यहाँ बैठने के लिए अगर आप बैठना चाहते हो तो यहाँ पे सामने से फाउंटेन लगाए हुए हैं। इफ़ यू आर टायर्ड यू कैन सिट हेयर, और आप व्यू का इंजॉय कर सकते हो जैसे सामने बैठे हैं। तो तकरीबन मैं बोलता हूँ 2-3 किलोमीटर एरिया में है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे फ्लाइट्स भी हैं, अपने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना है तो यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक हो जाता है। ये देखो ऐसे फ्लावर्स बनाए हुए हैं रोज़ के, आप ऐसे इधर अंदर जाके से हम दूसरे वाले अपने पैलेस के लिए जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। यहाँ पे अगर इस साइड को देखोगे तो यहाँ पे क्लॉक लगी है इधर, और ये रही यहाँ पे फ्लाइट, फुल फ्लाइट। और ये एक स्टैचू है बहुत अच्छा, थोड़ा और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू कैसा है, देखते हैं ऊपर क्या है इससे ऊपर। यहाँ पे भी रेस्ट एरिया ही लग रहा है ऊपर जाके। चलिए आप जहाँ भी जाओगे वहाँ फ्लावर्स हैं, बट हर अलग अलग कैटेगरी के हैं। यहाँ पे प्लांट बनाया हुआ है ऐसे, आर्टिफिशियल प्लांट है प्लास्टिक का, बट बाहर इसको प्लांट्स लगा रहे हैं। यहाँ से आपको पूरे गार्डन की वीडियो दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्या इस साइड। यहाँ से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा पूरा गार्डन ऐसे इधर। और ये यहाँ पे रोटेशन वीडियो बनानी है अगर आपने तो मैं आपको पूरे गार्डन की वीडियो बना के दिखा देता हूँ यहाँ से इस साइड। ऐसे रोटेशन में आएगा इधर से, यहाँ से स्टार्ट होता है इस साइड, यहाँ से रोटेशन में आएगा उधर से दूसरी साइड तक। यहाँ पे छोटे कार्टून भी बनाए हुए हैं, मेरे को एक्चुअली नाम नहीं का पता। इस साइड सारे पार्क में बनाए हुए हैं इस साइड को, ये सेकंड वाला पार्क है। यहाँ से इधर को रोटेश करें, देख सकते हो यहाँ ही कम से कम 50 वैरायटीज़ के फ्लावर भी यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने डॉल्स लगाई हुई है यहाँ पे, उनका जो स्कल्ट है वो एक्चुअल में फ्लावर का बनाया हुआ है। देखो रोटेशन ले रही हो, यहाँ पे दो है
तीन एक्चुअल में, तीन और भी आजाद आ गए, तीन और। तो यहाँ पे अलादीन का जिन भी बनाया हुआ है इन्होंने, इस साइड चिराग से निकला हुआ है। और यहाँ पे दांत दिखा रहा है, एक पीला दांत है इसका, हंसाने के लिए बनाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे स्टेज है नाइट शो के लिए, मे बी आई थिंक, श्योर तो नहीं है मुझे, बट यहाँ डीजे वगैरह लगे और रोटेशन की, और इस साइड को हर्ट वगैरह बनाए हुए हैं। तो लोग यहाँ पहले बैठ गए हैं इन टाइम में, तो यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं, फुल भीड़ है और फुल पार्किंग भरी हुई है यहाँ पे। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम कम ही थे, बट अभी आप देख सकते हो